गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज है दिसंबर 15, 2020 और हमारे चैलेंज का 15 डे है। और जस्ट मैं अभी घर से निकलने वाला था बैग लेके, तब तक हमारी टीम जग गई। नो स्लीप, अब नहीं सोएंगे। पानी गर्म किया, पिया, चाय बनाया अपने लिए, थोड़ा सा फ्रूट वगैरह बैग में रखा। मैं चल निकलता हूँ, तब तक हमारी टीम जग गई। सोचा कि अब थोड़ा सा किस करके ही चलता हूँ, दिन अच्छा हो जाएगा। हाय बोल। अच्छा बोलो। हाय। हाँ अब बोल दो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल ये देख सकते हैं, इसके ऊपर सब आइस जम गया है एकदम से क्लियरली। कल स्नो पड़ने का प्रेडिक्शन है, अगर पड़ी तो मुझे तो बहुत मजा आता है। कल इम्पॉसिबल बर्गर यहीं बर्गर किंग से लेके गया था पापा के लिए। इम्पॉसिबल बर्गर वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट स्टिल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत मल्टी लेवल प्रोसेसिंग होती है, जो उसको मीट की तरह टेस्ट देने के लिए हर एक चीज़ डिफरेंट प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, फिर उस हिसाब से उसको प्रोसेस किया जाता है। तो डेफिनेटली नेचुरल चीज़ को आप प्रोसेस करते हो तो कहीं ना कहीं वो पंगा करता है। जैसे कि आप गेहूं की दलिया खाओ या आटा खाओ तो अच्छी चीज़ है, बट उसी को मैदे वाली ब्रेड खाते हैं हम लोग और उसको और प्रोसेस करके कुछ खाते हैं तो ज़्यादा नुकसान करती है। इतनी ठंडी है और ये पर्सन बाइक चला रहा है, माय गॉड। अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे तो इतना तो पता ही होगा कि इमरजेंसी यूज के लिए कोरोना की वैक्सीन यूएस में अप्रूव हो गई है और लगना शुरू हो गई है। जिसको नहीं पता है बता दूं कि ये जो कोरोना की वैक्सीन आई है वो इमरजेंसी यूज के लिए आई है और इसका इमरजेंसी अप्रूवल हुआ है। इसका मतलब यह है कि कोरोना जब नॉर्मल हो जाएगा तो इस वैक्सीन को मे बी स्टॉप कर दिया जा सकता है या इसको फाइनल अप्रूवल भी दिया जा सकता है। अभी सिचुएशन बहुत अनकंट्रोल है कोरोना की यूएस में भी और सब जगह, तो इसलिए जल्दीबाजी के लिए इसको अप्रूव किया गया है FDA के द्वारा। और ये 16 साल से ज्यादा के लिए लोगों के लिए लगेगी और बहुत सिलेक्टेड लोगों को लगना शुरू हो रही है। एक न्यूज देखा होगा कि जिसमें पहला जो ट्रक फाइजर कंपनी के प्लांट से निकला है तो उसके साथ में पूरा फोर्स के साथ निकला है कि ताकि कोई बीच में कुछ गड़बड़ न कर दे। तो बहुत सिलेक्टेड लोगों के पास पहले जा रही है, सिलेक्टेड लोग इन द सेंस जो ज्यादा रिस्क में है, जैसे डॉक्टर हुए, नर्स हुए, फायर फाइटर हुए या ओल्ड एज वाले लोग हुए, उन सब लोगों को पहले लगेगी। हॉपकिंस भी पूरा एक क्लिनिक बना दिया है कि वैक्सीन लगना शुरू होगी। सो अभी लैब में आ गया हूँ और चल रहा हूँ कुछ काम करने। एंड हियर इज बालाजी, समर समीर फेवरेट। अभी हम लोगों को हॉलीडे का कार्ड देने आए हैं और एक बहुत अच्छा सा हॉलीडे विशेष का कार्ड दिए हैं। और बालाजी एक ट्रेडिशन रखते हैं अपने बालाजी को फोटोग्राफी का शौक़ है तो अपना फ़ोटो खींचे हैं और उसको प्रिंट आउट करके एंड प्रॉपर अच्छा सा मैसेज लिख के देते हैं। एंड यस, सो ये बालाजी का ओन फोटोग्राफी का रहता है, एवरी ईयर थ्रू आउट डिवीजन सबको देते हैं एंड इनका अपना ओन कार्ड रहता है। 22 ईयर्स से हो रहा है ये क्या 22 ईयर्स से बालाजी ये कर रहे हैं। ओ माई गॉड, अब बालाजी की कोई एज मत पूछेगा। वैसे भी जवान हूँ। यस, थैंक यू वेरी मच बालाजी। थैंक यू बालाजी। आपने देखा नहीं कल के व्लॉग में मैंने आपका डाला था। इज इट? फाला जी को पता नहीं है, मैं खाना भूल गया था तो कंचन मुझे काम पे खाना लेके आई। अरे टुमक टुमक चलते चलो भाई। मुझे अक्सर याद आता है जब पापा खेत में हल जोतते थे और मम्मी खाना लेके जाती थी। अभी 12 बजने वाला है, मैं खाना खा रहा हूँ और बिलीव नहीं करोगे 9:15 बजे ईमेल आया है
खाना खाने के लिए गाइडलाइंस के ऊपर कि अगर आप वर्क प्लेस पर खाना कहाँ कहाँ खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। प्राइवेट ऑफिस में सर्टेन प्लेस बनाया गया है, कुछ एरिया डिजिग्नेटेड है, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। पूरा बिग ईमेल आया है कि खाना कैसे खाना है वर्क प्लेस पे। मैं सोचा था कि दिसंबर में थोड़ा सा माहौल रिलैक्स रहेगा तो चैलेंज ले लेता हूँ, काफी कुछ ब्लॉगिंग में थोड़ा सा मस्ती करेंगे, बट उल्टा हो गया। दिन पे दिन काम बढ़ता जा रहा है और लोड बढ़ गया है, ऊपर से जो चैलेंज ले लिया है वो तो है ही। एक साइंस की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसका डेडलाइन दिसंबर 16 को है, और कल डिसाइड किया मेरी बॉस ने कि इसमें एक डाटा भेजना है। इमीडिएटली सब कुछ रेडी करना पड़ रहा है, तो बर्डन बढ़ गई है 2-3 दिन के लिए। दूसरी चीज एक ये है कि हमारी बॉस हर साल दिसंबर में जाती थी इंडिया, बॉम्बे की है, तो एक महीना थोड़ा सा माहौल रिलैक्स रहता था, वो भी सब कुछ छोड़ देती कि चलो ऐसा हॉलीडे का सीजन है। इस बार नहीं जा रही है, तो वो सोच रही है कि अब यहाँ पे है तो ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। और कंचन का आजकल भी डेली एनिमल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो एनिमल एक्सपेरिमेंट में काफी टाइम लग जाता है। पम 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 मेरी बॉस ने तुम लोग को चॉकलेट दिया है और बोला है कि हैप्पी क्रिसमस। आज आपने देखा कि बालाजी ने भी हम लोग को क्रिसमस का कार्ड दिया था, हमारी बॉस ने भी कार्ड दिया और हमेशा एक चॉकलेट का पैकेट देती हैं। ब्राउन चॉकलेट, सो नो लाइक। यू डोंट लाइक? अब क्या करें? मेरी बॉस को नहीं पता था यार कि तुम ब्राउन चॉकलेट डोंट लाइक। खा के देखो। गुड। देन हमारी बॉस को थैंक यू बोल दो तुम लोग। थैंक यू जवेर भुजवाला। अरे चॉकलेट बालाजी नहीं दिया, भुजवाला जी ने दिया। थैंक यू भुजवाला। जाओ उधर से रिकॉर्ड करो। तो अभी समर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और मैं लैब से आने के बाद चाय बनाया हूँ, तो मैं पापा चाय पी रहे हैं और मैं अभी तैयार हो गया हूँ बाहर दौड़ने के लिए। हाँ फास्ट रन करूंगा, तो पहले मेरा वीडियो तो रिकॉर्ड करो। बाहर का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस, तो एकदम बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है। तैयार होकर जा रहा हूँ, घर में करने का मन नहीं है क्योंकि ये लोग फिर बार बार बोलेंगे ये वीडियो लगाओ ये करो, तो मुझे एक्सरसाइज नहीं करने देंगे। तो फिर व्हाट यू आर डूइंग? अभी गिरा दो तुमको समीर। धीरे 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 धीरे, नहीं तो कहीं गिर जाओगे नीचे, संभाल नहीं पाऊंगा मैं। प्लीज व्हाट यू आर डूइंग? मैं सोचा तो थोड़ा परेशान करता हूँ। अभी थोड़ा रन करने के लिए आया हूँ, समोसे में घर पे ये मौ अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा, तो टीवी चला के चलाई हूँ। बाकी कंचन आगे देखेगी। मैं दौड़ते दौड़ते काफी दूर आ गया हूँ, ये देख के काफी अच्छा लगा। लव यूनिटी के बारे में अच्छा पीस मैसेज लिखा हुआ है। और बहुत सारे लोग बाल्टीमोर में डरते हैं दौड़ने से, बट यूनिवर्सिटी कैंपस के एरिया में थोड़ा इधर उधर दौड़ने के लिए काफी सेफ होता है, हर एक चौराहे पे सिक्योरिटी लगाए होते हैं और मैं थोड़ा ऑफ द सिक्योरिटी भी चला जाता हूँ, ठीक फील करता हूँ, और कोई पकड़ेगा तो हम भी दौड़ा लेंगे ठीक ठाक। गया था 5 किलोमीटर दौड़ने, 6 किलोमीटर दौड़ लिया। अगेन अब 4-5 दिन फिर रेस्ट देना पड़ेगा मेरे लेग को, तब वापस जा सकता हूँ दौड़ने। समीर क्या खाया? डोनट। और क्या खाया? ओट। एंड वाटर। यस, और अब जा रहे हैं लोग सोने। बाय बाय। बाय बाय। अरे अच्छा, बाय 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 बाय, दैट्स गुड। अरे अच्छा, दैट्स गुड। हां दैट्स गुड, दैट्स गुड, बाय बाय, सी यू लेटर, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।